एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले सुर्खियां। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में एक युवक की हत्या कर गन्ने के खेत में फेंका सौ, भादर गांव का रहने वाला है युवक, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी पुलिस ने 50 लाख की रंगदारी मांगे जाने के एक मामले का किया सफल उद्भेदन, रंगदारी मांगने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार, कबूला अपना गुनाह, मोतिहारी एसपी ने दी जानकारी। केसरिया महोत्सव का आज तीसरा और आखिरी दिन, प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने एसटीवी न्यूज से कहा, केसरिया महोत्सव में शामिल होना उनके लिए है बड़ी उपलब्धि। पश्चिमी चंपारण की मझोलिया पुलिस ने आज विशेष छापेमारी अभियान चलाकर कुल 15 लोगों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार सभी लोग हैं अलग अलग मामलों के आरोपी। थाना परिसर में पुलिस पब्लिक की हुई बैठक, बैठक में रैपिड एक्शन फोर्स के कमांडेंट कुमार ब्रजेश ने अभिभावकों से अपने बच्चों पर ध्यान देने की अपील। जिला विधिक सेवा प्राधिकार मोतिहारी के तत्वावधान में आज एक जागरूकता रथ को किया गया रवाना, सिविल कोर्ट परिसर मोतिहारी में आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा हरी झंडी दिखाकर रथ को किया गया रवाना। कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड लीडरशिप विषय पर आज मोतिहारी के छात्रों के साथ इंटरेक्ट हुए जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक, कार्यक्रम में आईएएस प्रत्यय अमृत भी हुए शामिल। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि से खबर है कि यहां भादा गांव के रहने वाले एक युवक की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद शव को एक बोरी में रखकर एक गन्ने के खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने शव को बरामद कर तहकीकात शुरू कर दी है। मृतक की पहचान भादा गांव निवासी ललन राय के पुत्र रंजीत राय के रूप में हुई है। वहीं शव को हरसिद्धि के चैनपुर से बरामद किया गया है। खबर के मुताबिक सूचना पर अरेराज डीएसपी रंजन कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि हत्या मारपीट कर और गला दबाकर किया गया है। वहीं डीएसपी ने कहा कि युवक के हत्यारों की खोज में पुलिस जुटी हुई है। वहीं हत्या के इस मामले में मृतक के भाई ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, मृतक हमारे भाई थे सर। कल 10-11 बजे मोटरसाइकिल लेकर के गए, हम बोले जी शाम तक हम घर आ रहे हैं। उसके बाद में शाम को घर जब नहीं आए तो हम फोन लगाए तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ बतला रहा था। आज मोटा मोटी 2:30 बजे या 3 बजे के करीब में पहाड़पुर थाना प्रभारी के इसी से फ़ोन आया जी आपका गलम्बर बाइक बोलूँ इतना नंबर का है। हम बोले जी हमारा गाड़ी है, तो बोलूँ चोरी हुआ है। हम बोले जी नहीं चोरी नहीं हुआ है, चोरी नहीं हुआ है। तो बोले जी नहीं अज्ञात गाड़ी पकड़ी मिला है। उसके बाद में हरसिद्धि थाना का वो तफसीर आलम जो है वो हमारे पास फ़ोन किए, बोले जी कहाँ पे है। तो हम बोले जी हाँ फलाने ठाई है आ रहे हैं, तो बोलो थोड़ा पुल पर आइए। तो हम पुल पर आए तो हमको वो फोटो वोटो देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैं पहचाने जी मेरा भाई है। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने रंगदारी के एक मामले का सफल उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र के बिसरहिया निवासी परशुराम पांडे द्वारा पुलिस को आवेदन दिया गया था कि किसी व्यक्ति ने उन्हें फ़ोन करके 50 लाख की रंगदारी मांगी थी और रंगदारी नहीं देने पर परिवार के सदस्य की हत्या कर देने की बात कही थी। सूचना पर पुलिस हरकत में आई और पूरे मामले की गंभीरता से जांच करते हुए तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रंगदारी की मांग करने वाले अलाउद्दीन अंसारी को मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार व्यक्ति ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। इस संबंध में मोतिहारी एसपी ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप के समीप आयोजित 3 दिवसीय केसरिया महोत्सव का आज तीसरा और आखिरी दिन है। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तत्वावधान में आयोजित केसरिया महोत्सव 2023 में आज भी देश के जाने माने कलाकारों की प्रस्तुति देखने को मिलेगी। केसरिया महोत्सव में शामिल होने और अपनी प्रस्तुति देने पहुंची प्रसिद्ध लोक गीत गायिका मैथिली ठाकुर काफी उत्साहित दिखीं। उन्होंने आज एचटीवी न्यूज से खास बातचीत में अपने अनुभवों को
साझा किया और कहा कि केसरिया और चंपारण की धरती पर आकर वे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे बार बार चंपारण आना चाहेंगी। अत्री जी, बापू की कर्म भूमि चंपारण में आपका आना हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कार्यक्रमों के सिलसिले में मुझे जितने भी महत्वपूर्ण स्थान है, जितनी भी ऐतिहासिक भूमि है, वहाँ पे गाने का मौका मिल रहा है। तो मैं जिला प्रशासन और हमारे विधायक जी शालिनी मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे केसरिया महोत्सव में बुलाया गया। ये मेरी पहली बार प्रस्तुति थी केसरिया महोत्सव में, तो मुझे काफी अच्छा लगा। पश्चिमी चंपारण की मझोलिया पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर आज अलग अलग मामलों में कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 32 पीस रॉयल स्टेज अंग्रेजी शराब बरामद किया है। वहीं विभिन्न कांडों के कुल 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष अभय कुमार के अनुसार चयनयान बांध पंचायत के मलुका टोला से गुप्त सूचना पर 32 पीस रॉयल स्टेज अंग्रेजी शराब बरामद किया गया, जबकि तस्कर अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। वहीं पिस्टल लहराने के एक आर्म्स एक्ट के आरोपी माधोपुर निवासी संत कुमार को गिरफ्तार करने जब पुलिस गई तो पुलिस को देखकर आरोपी बेड के नीचे छुप गया, जिसे बेड के नीचे से निकालकर गिरफ्तार किया गया। इधर जौकटिया मलाही टोला निवासी मारपीट कर जानलेवा हमला के आरोपी जामुन सहनी, विशाल सहनी एवं गुप्त सहनी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही करमावा से एससी एसटी एक्ट के आरोपी शंभू यादव, राजेश यादव, वशिष्ठ यादव एवं रोविन यादव को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मंझरिया से मारपीट के आरोपी राजेश्वर सहनी एवं लाल सरैया से बादल सहनी, विक्की कुमार एवं आकाश कुमार तथा दो नशेरी को शराब के नशे की हालत में गिरफ्तार कर मेडिकल जांच उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विशेष रेड छापेमारी के दौरान थाना के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 एससी एसटी के मामले में, 3 307 के मामले में, 1 आईटी एक्ट में, 2 शराब में और 5 जो है वो मारपीट के मामलों में गिरफ्तार किए गए हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही कुल 32 बोतल शराब, इसकी कुल मात्रा 18.375 ml है, 18 लीटर 375 ml, और मलुका टोला से बरामद की गई है। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल थाना परिसर में आज पुलिस पब्लिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के कमांडेंट कुमार ब्रजेश ने रैपिड एक्शन फोर्स के कार्यों पर विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अपने अपने बच्चों को और समाज के बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें। बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कैसे दोस्तों से मिल रहे हैं, यह ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गार्जियन बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, बच्चे विद्यालय सही समय पर पहुंच रहे हैं या नहीं, अभिभावक विद्यालय में भी पहुंचकर बच्चों के बारे में प्रधानाध्यापक से जानकारी लें, अफवाह से बचें और पुलिस से सहयोग लें। वहीं मौके पर मौजूद डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि कम उम्र के बच्चों में गलत संगत के कारण अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, सभी अभिभावकों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। संवाददाता शशि तिवारी के मुताबिक बैठक समाप्ति के बाद डीएसपी सुबोध कुमार, रैपिड एक्शन फोर्स के कमांडेंट कुमार ब्रजेश, इंस्पेक्टर सरफराज अहमद और सभी फोर्स एवं शांति समिति के सदस्य थाना परिसर से लेकर लक्ष्मी रोड, मोतिहारी रोड एवं ढाका रोड होते हुए पैदल मार्च भी किए। इस मीटिंग का जो मेन मुख्य उद्देश्य जो है वो है सामाजिक सौहार्द का जो संदेश है वो देना है। दूसरा जो रैफ का जो बनाया गया है कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर इस तरह का बिगड़ता है तो उसमें मुख्य रूप से आगे आती है और सिचुएशन को कंट्रोल करने, तो अभी इनको एरिया वाइज जो है थोड़ा डिटेलिंग होगा कि किस एरिया में कहाँ पे किस तरह का पॉपुलेशन है, किस तरह के लोग हैं और कहाँ पे क्या, किस तरह का कभी इस तरह का कोई दंगा हुआ हो या फिर किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी एरिया में हुआ है तो उसके बारे में भी सर को ब्रीफ किया जाएगा। और उसके बाद हम लोग एक अपना आगे का फर्दर प्लान भी बनाएंगे इस संबंध में कि किस तरह से आगे आने वाला जो भी पर्व त्यौहार है या फिर आगे आने वाला जो चुनाव है उसको देखते हुए किसी तरह का यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो और सब कुछ शांतिपूर्वक यहाँ पे पकड़ियाल में सुनिश्चित हो, इसके लिए भी प्लान बनाएंगे। एक हफ्ते का हमारा परिचायता अभ्यास जिसको हम लोग बोलते हैं, पूरे इस मोतिहारी जिले से हम लोग
एक्वेंट होंगे, वहाँ का डेमोग्राफी एजुकेशन क्या है, पॉपुलेशन का रेशियो क्या है, कहाँ कब किस तरह का इंसिडेंट हुआ है, FIR वगैरह कब कब हुआ है, क्या अरेस्टिंग हुई है, ये सब का सारा डेटा हम लोग बनाते हैं पूरे वीक में डिफरेंट डिफरेंट थानों में जाके, और उसको कंपाइल करके हम लोग MHA में भेजते हैं। MHA उसको कंपाइल करके रखता है ताकि आगे भविष्य में कभी हम रहें या नहीं रहें, अगर उस तरह की ये होती है तो पूरा डाटा अगले ऑफिसर्स को या अगले कंपनी को वो मिल जाता है। तो इसी क्रम में हम यहाँ भी आए हुए हैं जिसमें हमने शांति समिति के सदस्यों बातचीत की, उनसे अपील किया कि आपसी सौहार्द बना के रहें, अफवाहों में न जाएं, मोबाइल वगैरह से बचें, अपने जो भी टीनेज्ड बच्चे हैं उनको समझा के रखें। सबसे ज़्यादा आज के डेट में जो पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, उस पोलराइजेशन से बचें, बच्चों को बचाएं, शिक्षा की ओर अग्रसित करें, इन सब कृतियों में ना डालें। जिला विधिक सेवा प्राधिकार मोतिहारी के तत्वावधान में सिविल कोर्ट परिसर मोतिहारी से आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा एक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विधिक सेवा शिविर के सफल आयोजन के संदर्भ में जिले के स्लम क्षेत्रों में एक झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में निशुल्क शिक्षा योजना, गरीबी उन्मूलन योजना को प्रभावी ढंग से सफल बनाने हेतु यह रथ रवाना किया गया। वहीं ग्रामीणों के बीच प्रचार प्रसार के लिए विधिक सेवा प्राधिकार मोतिहारी के निर्देशानुसार आर्य देव असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल एवं बाल भगवान सिंह PLB के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। NSS AN कॉलेज पटना एवं जिला प्रशासन मोतिहारी के संयुक्त तत्वावधान में आज कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड लीडरशिप विषय पर महात्मा गांधी ऑडिटोरियम में एक इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया। स्थानीय स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ आयोजित इस इंटरैक्टिव सेशन में बतौर मुख्य अतिथि IAS प्रत्यय अमृत एवं तत्कालीन जिलाधिकारी मोतिहारी शीर्षत कपिल अशोक शामिल हुए। मौके पर जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिले के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने विद्यार्थियों को सफलता के मूल मंत्र दिए। मौके पर मोतिहारी के तत्कालीन जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रशासन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और हम यहाँ पे विद्यार्थियों के साथ जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है और लीडरशिप जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं बच्चों के लिए कैसे सार्थक हो सकती है, जिसमें समाज कार्य भी हो और नेतृत्व गुण का विकास हो, इस पर यहाँ पर मार्गदर्शन दिया गया। जिला प्रशासन के और राज्य स्तर से कुछ पदाधिकारी यहाँ पर सम्मिलित हुए। मैं आप सभी लोगों को, पूर्वी चंपारण वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं उसमें अगर आप किसी को कम्युनिटी एंगेजमेंट जो सरकारी नियम है उसके तहत करनी है तो निश्चित हम लोग भी आगे आएंगे। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज के साथ, और STV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स यदि आप अपने मोबाइल फोन पर भी देखना चाहते हैं तो STV न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं।